ड्रीम इलेवन में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कंगाल हो रहे युवा, मानसिक तनाव अलग। आईपीएल ड्रीम इलेवन एक ऐसा खेल है जो 49 रुपए में युवाओं को रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखा रहा है। इस चक्कर में लाखों युवाओं को इस खेल की लत लगी हुई है और अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई को यूं ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है राजस्थान के भरतपुर निवासी राम किशोर शर्मा। इनका कहना है कि मैं सरकारी शिक्षक हूं और इस तरह के खेलों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले जिले के माजापुरा गाँव निवासी खेमचंद, जो दिहाड़ी मजदूर था, उसने आईपीएल ड्रीम इलेवन खेल के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का इनाम जीता था। इसे देखकर मेरे मन में भी लालच आया और प्रतिदिन हजारों रुपए इस खेल में लगाने लगा। इस खेल में प्रतिदिन पैसे की बर्बादी देख मानसिक तनाव से पीड़ित हो गया था। वही छोटी छोटी बातों पर परिजनों से नोकझोंक होने लगी थी। इस खेल में अब तक 17,000 रुपए लगाकर हार चुका हूँ। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी का खेल है। मैंने इस खेल को खेलना बंद कर दिया। उस दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ होने के साथ परिजन बेहद खुश हैं। राम किशोर शर्मा ने बताया कि जब हम किसी खेल को खेलते हैं तो हमारे संपर्क में वे लोग आ जाते हैं जो इस खेल में रुचि रखते हैं। मैं कई ऐसे युवाओं को जानता हूं जो प्रतिदिन हजारों रुपए लगाकर पैसे की बर्बादी कर मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। इसी खेल के दौरान मेरी जान पहचान मछली मोहल्ला सुल्तान कुरैशी से हुई। वह कबाड़ी का काम करता है। एक दिन की आय 300 से लेकर 500 रुपए है। वह भी इस खेल के चक्कर में ऐसा पड़ा कि उसने अपनी कई महीनों की जमा पूंजी के साथ अपनी बाइक बेच दी है। अब मेरी उससे 2 दिन पहले बात हुई थी तो बोल रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जिले में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो करोड़पति बनने के चक्कर में रोड़पति हो गए हैं।